तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं हल्का पास्ट और फ्यूचर, कैसे उसने अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों का सामना किया और कैसे उसे इतनी ज्यादा पावरें मिली, कौन कौन थे उसके दोस्त और कौन कौन थे उसके दुश्मन। तो आइए देखते हैं हल्क की जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि हल्क पागल हो चुका है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। उसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, पता नहीं वो आगे और क्या क्या करेगा। उसका गुस्सा तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या हो गया हमारे हल्क को? शिनचैन, मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो तेरे साथी हूँ। मुझे तो लगता है ना पक्का कुछ बड़ा हुआ होगा, नहीं तो हमारा हल्क कभी ऐसा नहीं करेगा। कुछ तो हुआ ही होगा, नहीं तो कोई भी एवेंजर ऐसा नहीं करेगा। अरे पर पता नहीं ना क्या हुआ होगा, वो तो शिनचैन अभी एवेंजर ही बता सकते हैं। अरे मुझे तो उनका भी टेंशन हो रहा है, कहीं हल्क ने गुस्से में आके किसी को चोट ना पहुंचा दी हो। हाँ ये बात तो है, जब हल्क को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है ना हमें जल्दी से एवेंजर के घर पे जाना चाहिए। शिनचैन तू ठीक कह रहा है, पर चौप का है, उसको भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। अरे मैंने उसको नीचे देखा था। अच्छा ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ जल्दी से उसको लेके आते हैं। तो गाइस जल्दी से जाते हैं चौप के पास और उसको लेके जाते हैं सीधा एवेंजर के पास। ये रहा चौप। चौप तेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। अच्छा ऐसा क्या? अबे ये क्या कर दिया तूने? अरे मैंने क्या कर दिया? अब ज्यादा भोला मत बन, तुझे यही जगह मिली थी। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी नहीं तो किसकी गलती है? अरे आपकी गलती है। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, ये देख इसने क्या किया। अरे चौप ये क्या कर दिया तुमने, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। हाँ हाँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चौप सबसे पहले तो ये बता इसमें मेरी गलती कैसे है। अरे आपने तो मुझे रात को कहा था कि ऊपर आके सो जा। तो सोने के लिए कहा तो तू टट्टी कर देगा। अरे मैंने जानबूझ के नहीं की, मुझे लगा मैं अपने सपने में टट्टी कर रहा हूँ, पर जब मेरी आँख खुली तो ये तो सच्ची में हो गई। चौप तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, एक मिनट रुक, तेरे को तो अभी बताता हूँ मैं। किसका फोन आ रहा अभी है? हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोल टोनी। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हल्क पागल हो चुका है। अरे वो तो मैंने न्यूज पे देखा, मैं वहीं पे आ रहा था। अच्छा ऐसी बात है, वैसे ज्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ। चौप आज तो तू बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा। अरे ठीक है ना, अब जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाते अपनी गाड़ी के पास। पता नहीं हल्क को क्या हो रखा है। फ्रैंकलिन भैया जल्दी जल्दी चलो ना, मुझे हल्क से जाके मिलना है। चली तो राहू, जल्दी से आ जाओ, मैं तो गाड़ी में बैठ भी गया, अब जल्दी से गाड़ी भगाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये नई गाड़ी कब ली? चौप तू तो कुछ पूछी मत, तेरे को तो मैं कुछ नहीं बताने वाला। अरे अब ऐसा भी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तूने मेरे सोने वाली जगह पे हगा है, तेरे वजह से कल मुझे सोफे पे सोना पड़ेगा। अरे कल नहीं आज। अभी भी मजाक सूझ रहा है ना तेरे को? अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, गुस्सा थूक दो। शिनचैन मेरे को गुस्सा आया, मैंने पान नहीं खाया जो थूक दूं। अरे कितना भी गुस्सा आया हो, हल्क से तो कमी होगा। अबे ये क्या बात हो गई, हल्का गुस्सा गुस्सा, मेरा गुस्सा गुस्सा नहीं है। अरे वाह इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया हम तो पहुंचने वाले हैं। हाँ तो गाइस जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर लगा देता हूँ। आजा शिनचैन जल्दी से चलते हैं। हाँ जाओ जाओ हम भी आ रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो आ गया पर यहाँ पर चल क्या रहा है? अरे हल्क अपनी भावनाओं में बह गया था। भावनाओं में बह गया था? कौन सी भावनाओं में? हल्क को अपने गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हो, हल्क की गर्लफ्रेंड भी थी? हाँ शिनचैन हल्क की गर्लफ्रेंड भी थी। बार बार याद मत दिलाओ, मुझे रोना आ रहा है। अरे हल्क सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें रोना आ जाएगा। वैसे हल्क यहाँ पर आया कैसे, वो तो तबाही मचा रहा था। मैं इसे यहाँ पर लेके आया हूँ, नहीं तो ये बहुत तबाही मचा देता। हाँ खैर वो बात तो है ही है। अरे पर इसकी गर्लफ्रेंड को हुआ क्या था? अच्छा शिनचैन तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता ना। शिनचैन को क्या, मेरे को भी नहीं पता। अरे हमें हल्क का पास दिखाओ ना। अच्छा ठीक है शिनचैन, मैं तुम्हें हल्क का पास दिखाऊंगा। हल्क तुम रोना बंद करो। मुझे तो रोना आ ही जा रहा है। टोनी तू जल्दी से चालू कर, नहीं तो इसका रोना कभी बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक है अभी जाके स्टार्ट करता हूँ। ये कर दिया मैंने शुरू, हल्क तू भी उठ जा। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं हल्क का पास्ट। ये उस समय की बात है जब हमारा हल्क सिर्फ ब्रूस बैनर हुआ करता था, जो कि हमारी तरह एक आम इंसान था। अरे यार ये बॉस ने मुझे क्यों बुलाया होगा, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। अभी जाके देखता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये रहे सर। जी सर आपने मुझे बुलाया। मैंने तुमसे कोई काम करने के लिए कहा था, अभी तक हुआ कि नहीं? उसी पे काम चालू है सर, कुछ ही दिनों में वो पूरा हो जाएगा। मुझे जितने जल्दी हो वो सीरम अपने हाथ में चाहिए, मैं अपनी आर्मी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। जी सर मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, आपकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उस पे काम कर रहे हैं, मैं अभी चेक करके आता हूँ कितना काम हुआ। अच्छा ठीक है जाओ, और मुझे टाइम टाइम पे अपडेट देते रहना। जी सर अभी जाता हूँ। और हाँ एक बात का ख्याल रखना कि उन दोनों को जरा भी भनक ना लगे कि ये सीरम हमें क्यों चाहिए। जी सर उन दोनों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, पता नहीं उन दोनों ने कितना काम किया होगा। मुझे किसी भी हालत में वो सीरम चाहिए ताकि मैं अपने आर्मी को ज्यादा स्ट्रांग बना सकूं और कोई भी देश हमारी आर्मी के सामने ना टिक पाए। बैनर और रोज ने मिलकर कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सीरम तैयार कर ही लिया, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जनरल ने ये सीरम क्यों बनवाया है। रोज आखिरकार हमने वो सीरम तैयार कर ही लिया, हमारी मेहनत काम लाई। अरे वाह आखिरकार ये सीरम बनके तैयार हो गया। हाँ बस इस पे कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हाँ वो तो है, बिना टेस्टिंग के हम कैसे करेंगे, जब इतना कुछ कर लिया है तो वो भी कर ही लेंगे। क्या हाल चाल तुम दोनों के? अरे कमांडर आप एकदम सही टाइम पर आए हो।
सीरम का काम कहाँ तक पहुँचा? हमारा सुपर सोल्जर सीरम बन के तैयार है, बस इस पे कुछ टेस्टिंग बाकी है। वह क्या बात है, जनरल को तुम दोनों पे नाज होगा, तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। अरे ये तो हमारा फर्ज था। बैनर ने उस सीरम की टेस्टिंग सबसे पहले खुद पर की, क्योंकि वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। अचानक से उसकी बॉडी में कोई तो रिएक्शन होने लगे जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक क्रीचर में बदल गई, जिसे आज हम हल्के नाम से भी जानते हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो, तुम भी लो। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम लोग बचोगे नहीं मेरे हाथ से। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है, ये लो और तुम भी लो। मैं ये जगह तहस नहस कर दूंगा, तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये लो, मेरा गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम लोग मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मुझसे दूर हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तुम लोग मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, ये लो मैं तुम्हारे सारे हथियार तोड़ दूंगा। ये लो, भाग जाओ यहाँ से, वरना यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। तुम लोग मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। ये ले और ये भी ले, तेरी तो मैं सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। और तुम भी लो। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ये लो और तुम भी लो। तू भी ले, इन गोलियों से मुझे और गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये लोग मेरे बीच में आ रहे हैं, ये लो, मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। पुलिस भी यहाँ पर आ गई, ये तो मुझे मारते ही जा रहे हैं, अब तुम नहीं बचोगे। ये लो, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस सीरम की वजह से बैनर अपने इमोशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जब भी इमोशनल या गुस्सा होता वो सीधा हल्क में बदल जाता, और इस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। इस डर से वो वहाँ से भाग आया, और वहाँ से दूर होने के बाद हल्क का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है। वहाँ से भागते भागते वो एक फार्म हाउस में आ पहुँचता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर वो पहले से काफी कमजोर था। अरे बाहर तो बहुत ही बारिश हो रही है, पता नहीं मेरा कुत्ता कहाँ पर चला गया है। शेरू कहाँ पर है तू? अब ये कहा जा सकता है। एक मिनट, ये कौन है और ये मेरे खेत में क्या कर रहा है? अभी जाके देखता हूँ। अरे भाई साहब, आप कौन हो? ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है। मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी, मैं इसको ऐसे इधर नहीं छोड़ सकता। इसको उठा के जाता हूँ अपने साथ, मुझे इसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा जब तक इसको होश नहीं आ जाता। इसको यहाँ पर लेटा देता हूँ, यहाँ ये बारिश से भीगेगा नहीं, वरना ये और ज्यादा बीमार हो जाएगा। पता नहीं ये मेरे खेत में आया तो आया कहाँ से। वो बैनर भागते भागते यहीं पे आया होगा, उसे आखिरी बार यहीं कहीं आसपास देखा गया था। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यही कहीं छुपा होना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पर उतरो और इस फार्म हाउस के मालिक से बात करो, उसे पक्का पता होगा। यहाँ पर कोई है? जो कोई भी है जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। रुकिए सर, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो मुझे ब्रूस का खून चाहिए या तो वो सिरप बनाने का फॉर्मूला। जी सर। अरे ये आवाज किसकी है? पता नहीं कौन आया होगा, अभी जाके देखता हूँ। अरे ये तो आर्मी वाले है, ये इसको तो लेने नहीं आए, अभी जाके बात करता हूँ। सर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। कब से आवाज दे रहा हूँ, आने नहीं हुआ तुम्हें? अरे सर मैं आ ही रहा था, बोलिए क्या हुआ? तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है, वो जेल से भाग के आया है। मैंने तो ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सच बता दो नहीं तो मारे जाओगे। अरे सर मैं सच ही बोल रहा हूँ, कमांडर उड़ा दो इसको। अच्छा ठीक है सर। अरे रुको रुको, ये लो, ये हमारे किसी काम का नहीं था, मुझे लगता है नहीं ब्रूस को छुपाया होगा। अरे ये आवाज कैसी थी? ये तो कमांडर और जनरल है, ये तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी पहुँच गए। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर मैं इनके हाथ में लग गया तो ये मुझे मार देंगे। जल्दी जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि ये मुझे देख ले। ये सामने किसी की तो गाड़ी खड़ी है, वही लेके चला जाता हूँ। पहले तो ये दोनों मुझे शरीफ लगते थे, मुझे इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, पता नहीं ये लोग इस सीरम का क्या करना चाहते हैं। जल्दी से जाता हूँ यहाँ से। बैनर जैसे तैसे करके कमांडर और जनरल से बच जाता है, क्योंकि उसे जनरल के इरादों का पता चल चुका था। उसके बाद बैनर काफी सालों तक गायब हो जाता है और अपना पूरा ध्यान योगा में लगाता है, ताकि वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल कर पाए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, अब अपने घर को जाता हूँ। इतने साल योगा करने की वजह से मेरा मेरे गुस्से पे पूरा कंट्रोल है। अब तो मुझे काफी वक्त हो चुका है हल्क बने, और मैं कभी बनना चाहता भी नहीं हूँ। ये जगह शहर से काफी दूर और अच्छी है, काफी साल हो चुके हैं। रोज को फोन करके हालचाल पूछ लेता हूँ और उसे उसके पापा की करतूतों के बारे
में बताता हूँ। हेलो रोज। अरे बैनर, तुम कहाँ पर हो? तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते। रोज तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागा था, वो मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसे भी क्या मजबूरी? तुम्हारे पापा उस सीरम का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे और वो सीरम मेरे खून में है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एकदम सच कह रहा हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे पापा से बच के रहना चाहिए। फिर तो तुमने मुझे फोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हो गया? उन्होंने पक्का तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लिया होगा। आखिरकार बैनर ने गलती करी दी, अब मुझे उसके लोकेशन का पता चल चुका है, अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इन्हीं पहाड़ों से उसकी लोकेशन आ रही थी, मुझे लगता है उसी बस्ती में रहता होगा वो। ये सब नहीं बचेंगे मेरे हाथ से। ये लो, इस जगह को मैं धूल में बदल दूंगा। ये छोड़ी मैंने मिसाइल, अब ये जगह जल के खाक हो जाएगी और उसी के साथ ब्रूस बैनर अपने बिल से बाहर आ जाएगा और इस बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा था? इनकी दुश्मनी मुझसे थी, ये जगह मुझे बहुत ही प्यारी थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ये लोग बचेंगे नहीं मेरे हाथ से। मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया, इतने सालों से मैंने हल को अपने अंदर दबा के रखा था और तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये लो, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये ले, इतने साल मैं तुम लोगों से दूर रहा और इसकी वजह से तुम लोगों ने मासूम लोगों को मारा। तुम आर्मी कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। ये लो, तुम लोगों को मैं वापस जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारे वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई और आखिरकार हल्क बाहर आ गया। ये लो, कहां पर गए? ये रहे ये लोग, ये ले और तू भी ले। तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? तुम लोग ऐसे मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो, अब ये लो पत्थर खाओ, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हारे हेलीकॉप्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये लो, इन लोगों ने तो नाक में दम करके रखा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। आखिरकार सारे के सारे खत्म हुए, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए इससे पहले कि वो डाटाबेस से सीरम का फॉर्मूला ले ले। मुझे जाके वो एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी जाता हूँ। पता नहीं इन लोगों से क्या होगा, इन निकम्मों से एक काम नहीं होता। इस कमांडर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे हार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कमांडर को आखिरी वार्निंग देनी ही पड़ेगी। कमांडर मेरी बात सुनो। यस सर। मैंने तुम्हें जो काम दिया था अब तक तुमसे नहीं हुआ, मुझे लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। सर मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैंने डाटाबेस से उस सीरम का फॉर्मूला निकाल लिया है और उससे मैंने वो सीरम बना लिया। अब उसका इस्तेमाल मैं खुद पे करके हल्क से भी पावरफुल बन जाऊंगा और उस हल्क के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? साइंटिस्ट तुम तैयार हो ना? हाँ सर हम लोग तैयार है। ठीक है फिर शुरू हो जाओ। आखिरकार ये सीरम हमारे पास है, अब इसका इस्तेमाल करके कमांडर इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो हल्क का बच्चा इसके सामने कुछ भी नहीं। इस बार वो हल्क बचेगा ही नहीं, उसने हमारी मदद करने से ना कहा था। वाह क्या बात है, मुझे बहुत ज्यादा ताकत फील हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ गई। अब मैं उस हल्क के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, इससे ज्यादा पावर मैंने कभी फील नहीं की। सर मुझे लगता है ये सीरम काम कर गई। अच्छा हुआ ये काम कर गई, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अब तुम्हें जाके उस हल्के बच्चे को मारना पड़ेगा। सर अब उसका टेंशन मत लीजिए, अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, उसको तो मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा ठीक है जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है अभी निकलता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। हल्क तू तो गया मेरे हाथ से। चलो जैसे तैसे करके मैं लैब के डाटाबेस तक पहुँच गया। अब यहाँ से सीरम के फॉर्मूले की सारी एंट्री उड़ा देता हूँ इससे पहले कि वो जनरल के हाथ में लगे। जल्दी से ढूंढता हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो वो एंट्री है ही नहीं। डाटाबेस से मेरी सारी एंट्री कहाँ पर गई? मुझे लगता है जनरल के हाथ में वो लग चुकी है। मुझे कैसे भी करके उस एंट्री को डिलीट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत ही खतरनाक है, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। जल्दी जल्दी जाता हूँ, मैंने गाड़ी को यहीं पे पार्क किया था, पता नहीं वो उस सीरम के साथ क्या कर रहे होंगे। अब जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। उन लोगों को नहीं पता ये सीरम कितना नुकसान पहुँचा सकता है, पर वो मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। अरे हिरन कहाँ से बीच में आ गए, बार बार बचा, अभी तो मैं सलमान खान ही बन जाता। अरे ये कौन है? अरे अरे ये क्या हो गया, ये है कौन आखिर में? अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। ये लो ब्रूस बैनर, तुम तो गए। ये तो मेरा नाम भी जानता है, आखिरकार ये है कौन? मैंने ऐसा राक्षस पहली बार देखा है। ये तो कुछ कुछ हल्क जैसा लग रहा है, पर इसमें तो बहुत ही ज्यादा ताकत लग रही है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे ये तो मेरे पीछे आ गया। कब तक बचोगे मेरे हाथ से? ये लो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने बहुत टांग अड़ाई है हमारे काम में। ये ले मारका, ये ले, ये भी ले और ये भी ले। तुझे तो आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने हमारा कहा मान लिया होता तो तुम भी हमारे साथ होते और जिंदा होते, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी करनी थी, अब मार खाओ। अरे यार ये तो मारता ही जा रहा है, रुक जाओ तुम जो कोई भी हो। मैं कमांडर हूँ, मुझे लगता है
तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। कमांडर तुमने उस सीरम का इस्तेमाल किया, अब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसी बात है तो ये लो। मुझे लगता है इसने इस सीरम का हैवी डोज ले लिया है, अभी तो इसके पास बहुत पावर है, पर ये कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। मुझे अपने असली रूप में आना भी नहीं है, मुझे सिर्फ पावर से मतलब है, जो इस टाइम पे मेरे पास बहुत ज्यादा है और तुम मुझसे काफी कमजोर। अरे यार ये तो बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, रुक जाओ कमांडर, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले खुद की हालत देखो, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे? ये लो तुम्हारी तो मैं सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या हुआ, हालत खराब हो गई? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या कर दिया? मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोज को मार दिया है। बेचारी बहुत तड़प रही थी, बचाओ बचाओ बोल रही थी, उसको मैंने इतनी बुरी तरीके से मारा है, तुम पूछो ही मत। ये तुमने बहुत ही गलत किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमांडर, तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वाह क्या बात है, हल्क बाहर आया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहाँ पर गए तुम? तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं कमांडर, ये लो और ये भी लो। तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया मेरे साथ, उस बिचारी की क्या गलती थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये लो और ये भी लो, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। ऐसी बात है तो ये ले, तुझे क्या लगता है तू गुस्सा करेगा तो सब कुछ हो जाएगा? बेटा मैं तेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और तेरा गुरु भी, तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। मैं पहले भी तुझसे ज्यादा ताकतवर था और अब भी हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें मार के रहूंगा, ये लो और ये भी लो। चल हट, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हें तो मैं चट्टान से रोंद दूंगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम खत्म हो जाओगे। ये ले, पावर खाली तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है, वो भी तुझसे 10 गुना ज्यादा। कितनी भी पावर हो मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, ये लो। दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरे पास आने के काबिल नहीं हो, ये लो आज हल्क और ब्रूस बैनर दोनों मरेंगे, ये ले। ऐसी बात है तो दूर हो जाओ मुझसे, तुम्हें नहीं पता अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया तो क्या होगा? तुमने मेरे प्यार को मारा है तो भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ अगर तुम ये सब छोड़ दो। अच्छा ऐसा क्या, मुझे तेरे दया की भीख नहीं चाहिए, मुझे बस तेरी मौत देखनी है जो कि मेरे हाथ से ही होगी। वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगा, खेलो ये भी लो, ये लात खाओ। तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब की है और कई मासूमों की जान ली है, अगर मैं अभी तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये बहुत ही अन्याय होगा, ये लो अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से, ये रोज के लिए, ये ले और ये भी ले। तुम मुझे नहीं मार पाएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें मारूंगा, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये उन सब निर्दोषों के लिए जिनकी तूने जान ली है। अब तू गया, ये ले, कहाँ चला गया ये, मुझे लगता है मारा गया। ये क्या, मैं अपनी पावर को कंट्रोल में कर सकता हूँ। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, अब हल्क मेरे कंट्रोल में है, आखिरकार मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर ही लिया। रोज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। अरे हल्क तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ शिनचैन, मुझे तो अभी भी उसकी याद आती है। हाँ हल्क, हम सब लोग तेरे साथ हैं। अरे हाँ हाँ हल्क, थैंक यू। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जय हिंद।